नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, इस बार यानी कि 2023 में ठंड नहीं गिरा है। कहने का अर्थ ये है कि पूरे भारत सहित बिहार के लोगों ने ये आशय जता लिया था कि इस बार तो ठंड नहीं ही गिरेगा, क्योंकि हम इस वक्त खड़े हैं दिसंबर के आखिरी दिनों में, यानी कि अब 2 से 3 दिन के बाद नए साल का आगमन हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अब तक ठंड ने दस्तक बिहार में नहीं दी थी, क्योंकि इस वक्त हम बिहार के राजधानी पटना में मौजूद हैं, इसलिए हम पटना की ही बात करेंगे कि यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं अनुमान लगाया गया था कि इस बार ठंड गिरेगी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, जो आपको विजुअल के माध्यम से एक बार दिखा देते हैं कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है 2023 के इस महीने में, जहाँ पर बहुत पहले दिसंबर से ठंड पड़ना चालू हो जाता था अक्सर, इस बार आखिरी दिनों में ठंड दस्तक दे रहा है। यानी आज पहला दिन है जब आपको कोहरा बिहार में दिख रहा है। आपको बता देते हैं कि बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है। दिसंबर यानी पूस महीने के आगमन पर भी कड़ाके की ठंड इस बार नहीं पड़ी है। वहीं मौसम विभाग ने अब बारिश की संभावना भी जताई है। जानिए नए साल के आगमन पर मौसम कैसा रहेगा। आपको बता दें कि बिहार के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में शुक्रवार से घना कोहरा छा जाने के आसार थे। IMD ने इस आशय का पूर्वानुमान गुरुवार को जारी किया था। इधर 30 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इससे राज्य में 2 जनवरी से बारिश का दौर कुछ दिनों के लिए शुरू हो सकता है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आने वाले दिनों में बिहार का मौसम कैसा रहेगा। आपको बताते हैं, IMD के आधिकारिक पूर्वानुमान के मुताबिक पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद आदि जिलों में कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। इसकी वजह से सुबह की ठंड में कुछ इजाफा संभव है। हालांकि सामान्य तौर पर दिन और रात के तापमान में अगले 48 घंटों में कोई खास बदलाव के आसार नहीं है। गुरुवार को राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान फारबिसगंज में 29.2 डिग्री दर्ज हुआ था। आपको बता देते हैं कि दिसंबर के महीने में हम इस वक्त हैं, यानी कि दिसंबर का महीना यानी पहला या मध्य महीना नहीं, हम आखिरी दिनों में हैं। यानी कि आज का दिनांक है 29 दिसंबर 2023 का, यानी कि 2024 में हम शुरुआती कदम रखने वाले हैं। आपको बता देते हैं कि इस दिन अगर हम बाकी सालों से तुलना करें, बाकी सालों से कंपेयर करें, तो इस दिन ठंड बहुत ज़्यादा ही मायने में पड़ी रहती थी। आप लोगों के शरीर पर जैकेट देखेंगे, स्वेटर देखेंगे, वो साफ तौर पर दिखाता था कि ठंड है। लेकिन 2023 की अगर बात करें, दिसंबर महीने की बात करें, तो आज पहला ऐसा दिन है जब कोहरा पड़ा है। इससे पहले कल की ही बात करें यानी 28 दिसंबर की, तो कल भी धूप था, उसके पहले भी धूप थी, लेकिन आज कोहरे ने बताया है कि आप ठंड में दस्तक दे चुके हैं। भले ही देर से क्यों ना दिया, आप देख सकते हैं इस वक्त मरीन ड्राइव पर खड़े हैं, जो कि पटना के महानतम जगहों में से एक है। और आपको बताते हैं कि बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। पटना व आसपास के क्षेत्रों में मौसम के अगले 5 दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन के आसार नहीं थे। शहर का तापमान 25 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार वर्तमान में दक्षिण बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवर्ती परिसंचरण बना हुआ है, इसके कारण धूप में थोड़ी नरमी है। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 25.5 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मालूम हो कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्व में ही 2 जनवरी से मौसम में परिवर्तन होने की संभावना व्यक्त की गई है। 2 जनवरी को बादल छाने और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। आपको बता देते हैं कि अभी का समय 2 बजने के करीब है, यानी कि 2 बजने के करीब कह सकते हैं कि दोपहर का समय है। लेकिन अभी तक में अगर नॉर्मली बात करें तो फिर धूप रहता था। अगर हम पिछले दिनों में जाएं, पिछले 2 से 3 दिनों में जाएं, या फिर दिसंबर के महीनों में ही जाएं, तो ठंड रहता था लेकिन धूप भी रहती थी। आपको बताते हैं कि अभी 2 बज रहा है, यानी कि दोपहर का समय है, लेकिन अभी तक कोहरा आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि ठंड ने दस्तक दे दी है। भले देर से ही दी है, लेकिन दस्तक दे चुके हैं। हम पैर कदम रखने वाले हैं 2024 में, यानी नए साल में 2 से 3 दिनों में, और अभी भी आसार था कि इस बार ठंड नहीं ही पड़ेगी। लेकिन आज का मौसम देखकर आपको पता चल गया होगा कि बिहार में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। तो ये मौसम से जुड़े कुछ खबरें थी जो हमने समझा कि आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी होगा, इसलिए हमने आपके साथ साझा की। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज 24। मैं नंदन, अपने सेगमेंटों के साथ धन्यवाद।